नमस्कार दोस्तों, संध्या वेज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं ग्रेवी वाली भिंडी की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और वो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए सामग्री देख लेते हैं कि क्या क्या लगती है। ये 250 ग्राम भिंडी को हमने धो करके और सुखा लिया था, और ये देखिए इस तरीके से हमने बीच से चीरा लगा लिया है। लहसुन और हरी मिर्च को बारीक चॉप कर लिया है, एक बड़ी प्याज को बारीक चॉप कर लिया है, 3 टमाटर को बारीक चॉप कर लिया है, नमक स्वाद के अनुसार, कसूरी मेथी, जीरा, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और ये गरम मसाला। तो चलिए चलते हैं आगे की प्रोसेस में। गैस पे पैन रख दिया है और तेज फ्लेम में चालू कर देंगे गैस को, और तेल को थोड़ी देर गर्म हो जाने देंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है, इसमें डाल देंगे भिंडी जो हमने कट करके रखी है, इसको हम फ्राई कर लेंगे। देखिए हमारी भिंडी पक चुकी है, अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। भिंडी को हमने निकाल लिया है और इसमें थोड़ा सा तेल और ऐड कर दिया है। अब हम गैस को फिर से ऑन कर देंगे और हमने सेम कढ़ाई ली है, कढ़ाई दूसरी नहीं बदली है, उसी में बना रहे हैं। अब इसमें डाल देंगे अदरक और हरी मिर्च, डाल देंगे जीरा। देखिए प्याज भी हमने इसमें ऐड कर दिया है, अब इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे। धनिया पाउडर, अब डाल देंगे हल्दी पाउडर और इसे इस तरीके से मिला लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर और यहीं पे डाल देंगे नमक, इसे इस तरीके से चला लेंगे। थोड़ी देर हो गई है, अब हम इसे खोल करके चेक करेंगे। ये देखिए टमाटर भी हमारे गल चुके हैं, और थोड़ा सा हम इसे और पकाएंगे। ये देखिए अच्छे से हमारा मसाला पक चुका है, अब हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला और इसे भी मिला लें इस तरीके से। अब हम इसमें डाल देंगे पानी, तो हम 1.5 गिलास पानी इसमें ऐड किए हैं और गैस को तेज ही रखेंगे। हम इसे थोड़ी देर के लिए ढक देंगे ताकि इसमें अच्छा उबाल आ जाए। अब हम खोल करके चेक कर लेंगे। ये देखिए इसमें अच्छी उबाल आ गई है। अब हम इसमें डाल देंगे भिंडी जो हमने तल करके रखी थी, वो डाल देंगे इसमें। अब हम इसे थोड़ी देर पकने देंगे। ये देखिए हम खोल करके चेक करेंगे। ये देखिए बिल्कुल हमारी सब्जी पक करके तैयार हो गई है। अब हम इसमें थोड़ा सा डाल देंगे कसूरी मेथी, इस तरीके से हाथों से क्रश कर लेंगे और मिला देंगे। हमारी सब्जी पूरी तरीके से पक करके तैयार हो गई है। चलिए चलते हैं प्लेटिंग की तरफ। ये हमारी बहुत ही टेस्टी ग्रेवी वाली भिंडी बन करके तैयार है। बनाने में बहुत जल्दी बन जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बगल में छोटी सी घंटी है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हमारे नए नए रेसिपी के वीडियो आपको सबसे पहले मिले।